आकांक्षा, मैंने सिर्फ तुम्हारा घर, तुम्हारी लाइफस्टाइल, तुम्हारा स्टेटस नहीं, तुम्हारा फोन नंबर भी बदल दिया है। क्या? लेकिन क्यों? तुम मुझे बिना बताए ऐसे कैसे कर सकते हो? रिलैक्स आकांक्षा, मैं जो भी कर रहा हूं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। यस, मैं नहीं चाहता था कि लोग तुम्हें कॉल करें, तुम्हें मॉरल वैल्यूज पे लेक्चर सुनाए, तुम्हें गिल्टी फील कराए। आफ्टर ऑल आकांक्षा, तुम्हारी मन की शांति का ख्याल रखना भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना। लेकिन ऐसा करने से पहले कम से कम मुझे एक बार पूछ तो लेते वैभव। तूने मुझे हजार बार कॉल किया होगा, मेरा नंबर नहीं लग रहा, बेचारा पता नहीं कितना रो रहा होगा मेरे बिना। तो तुम कॉल कर लो यथु को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? इतना बेशरम कैसे हो सकती हो? नहीं, यथु से बात करने के लिए मुझे मानव को कॉल करना पड़ेगा। बात तो करवाएगा नहीं, उल्टा ताने और सुनाएगा। मेरा पुराना नंबर मेरे पास होता तो कम से कम यथु मुझे सामने से तो कॉल कर पाता। रिलैक्स, मानव के इन्हीं तानों से बचाने के लिए मैंने नंबर बदला। मैं नहीं चाहता था कि लोग, दुनिया, कोई भी तुम्हें कुछ भी अनाप शनाप कहे, इसलिए मैंने नंबर बदला आकांक्षा। और रही बात यथु की, तो कुछ दिनों के लिए रहने दो ना उसे अपने बाप के साथ। अभी मुझे लगता है कि मानव पति कैसा भी हो, लेकिन बाप तो एक जिम्मेदारी है। लेकिन यथु मुझसे ज्यादा प्यार करता है। Of course. मैं उसकी माँ हूँ, मानव कभी मेरी जगह नहीं ले सकता है। Yes. मैं यथु के पास नहीं हूँ, पता नहीं किस हाल में होगा वो। वैभव, मैं एक जिम्मेदार माँ हूँ। Of course. इस बात में कोई दो राय नहीं, I have no doubts. लेकिन बावजूद इसके मैं चाहता हूँ कि यथु थोड़े दिन भले ही रह जाए ना अपने डैड के साथ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.